हेलो एवरीवन, दिस इज तनिजा गुप्ता एंड लेट्स टेक द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है, दैट इज व्हाट. इसमें हम तीन स्टेप की बात करेंगे. द फर्स्ट स्टेप इज इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए और यू कैन से रिकॉम्बिनेंट्स. एंड द सेकंड नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, ऑब्टेनिंग द जीन प्रोडक्ट. एंड द लास्ट वन इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग. सी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी 6 स्टेप में कंप्लीट होती है. उसमें से फर्स्ट 3 स्टेप मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ एंड लास्ट 3 स्टेप आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो. ठीक है, तो हम वन बाय वन सबको लेते हैं. सबसे पहले हम लेते हैं ये वाला स्टेप, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए. सी, अभी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डीएनए को आइसोलेट करके उसको वेक्टर के साथ फ्यूज कर चुके हैं, तो क्या बन चुका है हमारे पास, एक रिकॉम्बिनेंट बन चुका है. ओके, यानी कि एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हमारे पास है और यू कैन से वेक्टर है. अब इस वेक्टर को क्या करना है, इस डीएनए को ले जाकर किसके अंदर एंटर करना है, इसको होस्ट सेल के अंदर. ऐसा होस्ट सेल जिसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है, द प्लाज्मिड फ्री होस्ट सेल सेलेक्ट करके और उसके अंदर इस प्लाज्मिड को इंसर्ट कराना है. ठीक है, ऑलरेडी मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ कि होस्ट सेल इजीली किसी भी सेल बाहर के किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी डीएनए को एक्सेप्ट नहीं करती. द होस्ट सेल नीड टू बी कॉम्पिटेंट, मतलब कि वो ऐसा बनाया जाए होस्ट सेल को ताकि ये इसको ईजिली एक्सेप्ट कर ले. कॉम्पिटेंसी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या तो हम उसको बायवेलेंट कैटायन लाइक दी कैल्शियम आयन उसे ट्रीट करा के, या फिर हम उसको चिलिंग हीट चिलिंग के ट्रीटमेंट से. बिसाइड्स ऑफ इट वी कैन ऑल्सो गो फॉर दी माइक्रो इंजेक्शन एज वेल एज वी कैन गो फॉर दी बायोलिस्टिक गन. इन सब की डिटेल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. ठीक है, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एट लास्ट होस्ट के अंदर उसको इंसर्ट करा देते हैं. जैसे ही कोई रिकॉम्बिनेंट होस्ट के अंदर इंसर्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड सेल. ठीक है, और इसके अंदर अब कौन सी रेजिस्टेंस एक्टिविटी आ गई है, एम्पिसिलिन. टेट्रासाइक्लिन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, फॉरेन डीएनए ही एंटर किया है तो ये इनएक्टिव हो चुका है. अब इसके अंदर सिर्फ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस एक्टिविटी आ चुकी है. इसके बेसिस पे ही ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड जो सेल्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि नॉन ट्रांसफॉर्म्ड जो सेल होगी वो एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में ग्रो नहीं करेगी और ट्रांसफॉर्म सेल एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में ग्रो करेगी. ठीक है, उसके बाद इस ट्रांसफॉर्म में से हम रिकॉम्बिनेंट एज वेल एज नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, इन दोनों को भी आइसोलेट कर सकते हैं. रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वाला ट्रांसफॉर्म सेल, एक्चुअली तो हमें ये कॉम्बिनेशन चाहिए, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म सेल हमें चाहिए, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म सेल का हम यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है, तो हम इन दोनों को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. इसके बारे में भी मैं डिस्कस मेरी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ. आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो थ्रू दैट वन, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो ये मैं डिटेल अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं करने वाली हूँ. तो ओवरऑल इस स्टेप में क्या किया जा रहा है, रिकॉम्बिनेंट्स को होस्ट सेल के अंदर एंटर कराया जा रहा है. ठीक है, चलिए अब ये होस्ट सेल के अंदर एंटर करते ही क्या करेगा, ये होस्ट सेल के साथ साथ ही अपना भी नंबर बढ़ाएगा. अपना नंबर जैसे ही बढ़ाएगा तो इसके प्रोडक्ट बनने भी शुरू हो जाएंगे. ठीक है, क्या होगा, इस डीएनए का जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, जो हमारा डिज़ायर है, जिसको हमें लार्ज स्केल पे ग्रो कराना है, हमें चाहिए, वो ग्रो करना शुरू करेगा. पर क्या होता है, सेकेंड स्टेप अब हम बात कर रहे हैं ऑब्टेनिंग जीन प्रोडक्ट. अब क्या है, डीएनए से हमें जीन प्रोडक्ट तो मिल रहा है, बट हमसे लार्ज स्केल पे बनाना है. लार्ज स्केल पे करने के लिए क्या होगा, ये जो होस्ट सेल है इसको भी लार्ज स्केल पे ही ग्रो कराना होगा. ठीक है, लार्ज स्केल पे मतलब बहुत ज़्यादा नंबर पे इसको ग्रो कराना होगा, और ग्रो कराने के लिए हम एक कंटेनर लेते हैं जो बहुत बिग साइज़ का कंटेनर होता है, जिसको हम बोलते हैं बायो रिएक्टर, या फिर उसको दूसरा नाम बोलते हैं फर्मेंटर. ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, बायो रिएक्टर और फर्मेंटर. तो सेकंड स्टेप में हम बेसिकली सेकंड स्टेप में किसके बारे में बात कर रहे हैं, बायो रिएक्टर के बारे में बात कर रहे हैं कि ये बायो रिएक्टर वर्क कैसे करता है. ओके, इस बायो रिएक्टर में कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं. सबसे पहला तो बायो रिएक्टर में एक क्या होता है, कल्चर मीडियम होता है. ठीक है, जो क्या करता है, इस सेल को, होस्ट सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इसके अलावा विटामिंस प्रोवाइड करता है, इसके अलावा बहुत सारे हॉर्मोन्स प्रोवाइड करता है, सो दैट ये सेल ग्रो कर सकते हैं. मतलब ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि होस्ट सेल की जो भी नीड है वो सारी ये प्रोवाइड करता है. सेकेंड इज होता है, दैट इज़ द इनोकुलम.
अब इनोकुलम का मतलब क्या है? सी कल्चर मीडियम ले लिया, अब इसके अंदर मुझे ये होस्टेल तो डालना पड़ेगा ताकि ये होस्टेल ग्रो करे. तो द स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस होस्ट सेल, ठीक है, होस्ट सेल इज कॉल्ड द इनोकुलम. जैसे कि अगर मैं बहुत सिंपल सा आपको एग्जांपल दूँ, दैट इज़ द कर्ड फॉर्मेशन. हम घर में ही कर्ड का फॉर्मेशन करते हैं. उसमें हम क्या करते हैं, मिल्क में लेकर बहुत थोड़ा सा अमाउंट हम कर्ड का लेकर डाल देते हैं और सुबह जब हम तो उसको देखते हैं तो वो क्या होता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. तो जो थोड़ा सा अमाउंट कर्ड का डाला उसको हम बोलते हैं इनोकुलम, जिसमें कुछ लिविंग बैक्टीरिया है जो बाद में ग्रो करके सारे मिल्क में नंबर बढ़ा लेते हैं और पूरे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं. तो यहाँ पर भी वो स्मॉल अमाउंट जो है उसको हम बोलते हैं इनोकुलम. थर्ड चीज होती है, दैट इज द स्टीरर. ठीक है, स्टीरर, ये बायोरिएक्टर का पूरा डायग्राम है. यहाँ पे आप देख रहे हो ये स्टीरर होता है, ये सब पूरा घूमता रहता है जिसकी वजह से ये प्रॉपर न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी कराता है. ठीक है, न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल कराता है किसको, होस्ट सेल को. पूरा अच्छे से घूमेगा तो पूरा अंदर का कल्चर मीडिया होमोजेनाइज रहेगा. ऐसा नहीं है कि एक तरफ ही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड हो रहा है दूसरी तरफ नहीं हो रहा है. तो ये होमोजेनाइज मिक्सचर रखने की वजह से क्या होगा, न्यूट्रिएंट इजीली अवेलेबल कराएगा एज वेल एज ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी कराएगा. ठीक है, ऑक्सीजन भी उसको प्रॉपर अवेलेबल होगी. ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ पे एक होता है फॉर्म ब्रेकर. क्योंकि क्या होता है, बिकॉज ऑफ एजिटेशन फॉर्मिंग स्टार्ट हो जाती है और फॉर्मिंग बैक्टीरियल सेल की ग्रोथ में उसको प्रॉब्लम क्रिएट करती है. तो ये क्या होते हैं, फॉर्म ब्रेकर होते हैं. ऐसे फ्लैट प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या कराते हैं, इस फॉर्म को बार बार कम करते हैं, रिड्यूस करते रहते हैं. ठीक है, दिस इज द स्टीम इनलेट जो स्टरलाइजेशन के लिए होती है ताकि और कोई दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे ग्रो ना कर सके. दिस इज द पीएच कंट्रोल, जिसके थ्रू पीएच एज वेल एज टेम्परेचर भी कंट्रोल किया जाता है. फाइन, एंड यहाँ पूरे में कल्चर ब्रोथ डाला जाता है और इसको पूरा एजिटेट किया जाता है सो दैट यहाँ पे कल्चर यूनिवर्सली और होमोजेनाइज फॉर्म में ग्रो कर सके. ठीक है, फाइन, तो यहाँ पे इस तरह से ग्रो किया जाता है. अब जो ये लार्ज स्केल ग्रोइंग होती है ये भी दो तरह की होती है. चलो देखते हैं वो कौन कौन सी होती है. सी जो ये बायो रिएक्टर होते हैं ये दो तरह के कल्चर मीडियम होते हैं. वन इज द बैच कल्चर, ठीक है, एंड अनदर इज द कंटीन्यूअस कल्चर. ओके, बैच एंड कंटीन्यूअस दो तरह के बायोरिएक्टर होते हैं. बैच में क्या होता है, इसमें एक बार में ही कल्चर मीडियम, ठीक है, उसी के साथ ही क्या कर देते हैं, इनोकुलम को डाल देते हैं एक बायोरिएक्टर के अंदर और इसको ग्रो होने देते हैं जब तक वो कम्प्लीटली सारा न्यूट्रिएंट जो भी अवेलेबल है वो यूटिलाइज ना कर ले और जो सेल है वो अपना मैक्सिमम नंबर ना रीच कर ले. जैसे ही पूरा मैक्सिमम नंबर रीच हो जाता है इसको बाहर निकाल दिया जाता है और उसमें से जीन प्रोडक्ट को आइसोलेट कर लेते हैं. इस पूरे बायोरिएक्टर को खाली करके, एम्प्टी करके, अब दोबारा नया कल्चर मीडियम और इनोकुलम डाला जाता है. यानी कि हर बार एक फ्रेशली इसको प्रिपेयर किया जाता है. तो ये सिर्फ एक बैच में एक बार में काम करेगा, फिर वापस पूरा निकालते फिर दोबारा हम डालते हैं. अंडरस्टूड, दिस इज द बैच कल्चर. जबकि कंटिन्यूस कल्चर क्या है, क्या नाम समझ में आ रहा है कि वो जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली गोइंग ऑन है. कैसे कंटिन्यूस कल्चर होता है, इसमें क्या करते हैं, ये जो बायो रिएक्टर है इसमें से एक इनलेट होता है, एक आउटलेट. इस इनलेट के थ्रू कंटिन्यूसली कल्चर मीडियम और उसके साथ ही क्या, इनोकुलम, दोनों ही फ्रेश वाला प्रोवाइड करते रहते हैं. ठीक है, यहाँ पे पूरा ये कल्चर ब्रोथ है और यहाँ पे सेल ग्रो कर रही है और इसके साथ साथ ही यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो यूज्ड मीडियम है, जो यूज मीडियम है उसको बाहर निकाल दिया जाता है. जो कि ऐसा मीडियम जिसमें अब न्यूट्रिएंट नहीं बचा है उस यूज मीडियम को बाहर निकाल दिया जाता है एज वेल एज ये जो लिविंग सेल है जिसको हम दूसरा नाम भी बोलते हैं कल्चर सेल. ठीक है,
ठीक है, मेन तो क्या करते हैं, इस मीडियम को बाहर निकालते रहते हैं और कल्चर सेल वापस ग्रो होती रहती है, तो उसको हर बार एक फ्रेश फ्रेश मीडियम मिलता रहता है। तो कभी भी ये नहीं होता कि एक सैचुरेशन पॉइंट पहुंच जाए कि भाई इसके बाद तो अभी ग्रो हो ही नहीं सकती, वो कंटिन्यूस ही ग्रो होती जा रही है, कंटिन्यूस नई सेल्स बनाती जा रही है। यानी कि इस कंडीशन में जो सेल्स होती है वो हमेशा किस कंडीशन में रहती है, लॉग फेज में रहती है, लॉग फेज, या इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। ठीक है, अगर आपको मैं एक सिंपली समराइज फॉर्म में बताना चाहूँ तो सेल्स में तीन फेज होती है, इट्स लाइक दिस। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द लैग फेज, ये जो होती है दिस इज द लॉग फेज, और ये होती है यहाँ पे स्टेशनरी फेज। कौन सी होती है, दिस इज द स्टेशनरी फेज। ठीक है, तो जो लैग फेज होती है इसमें ही सेल फ्रेश और बहुत ज़्यादा डिवाइडिंग होती है, स्टेशनरी फेज में तो आकर क्या होता है, ये डिक्लाइन की तरफ जाती है, डेथ की तरफ जाने जाती है, और लैग में तो बस ये स्टार्ट ही हो रहा है डिवीजन। तो लॉग फेज में सबसे ज़्यादा हमें जीन प्रोडक्ट मिलता है, तो ये सारी लॉग फेज में होती है, इस वजह से ही कंटिन्यूस कल्चर में हमें बहुत ज़्यादा ईल्ड मिलती है। ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा जीन प्रोडक्ट मिलता है, तो इसलिए प्रेफर करते हैं कंटिन्यूस कल्चर को। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि क्या बैच कल्चर होता है, क्या कंटिन्यूस कल्चर होता है। ठीक है, चलिए अब ये तो हो गया, हमारे पास सेल है वो लार्ज स्केल में ग्रो हो चुका है और उसने लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट बना लिया, और वो सारा प्रोडक्ट अभी किसके अंदर है, इस बायो रिएक्टर के अंदर ही है, इस बायो रिएक्टर के अंदर ही सारी सेल्स है और उसके साथ साथ उसका प्रोडक्ट भी है। ठीक है, मतलब कि जो सेल्स होंगी ये सेल है और इसके अंदर ये प्रोडक्ट है, ऐसी बहुत सारी सेल्स है इस बायोरिएक्टर के अंदर। तो अब हम थर्ड स्टेप लेते हैं, दैट इज़ दी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये एक्चुअली क्या होता है, इट इज़ दी प्रोसेसिंग ऑफ प्रोडक्ट आइसोलेशन। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो ये कल्चर सेल्स हैं, ठीक है, ये जो कल्चर सेल्स है इनको एजिटेट किया जाता है बहुत ज़्यादा, ताकि ये सेल्स रप्चर हो सके और इससे क्या हो जाता है, प्रोडक्ट को रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसको एजिटेट कर सेल्स को ले लिया, उसको एजिटेट किया और उससे हमने प्रोडक्ट निकाल लिया। जैसे ही प्रोडक्ट होता है इसको वापस आइसोलेट किया जाता है और प्योरीफाइड किया जाता है। ठीक है, कि यानी इसके साथ कोई और जो कंटामिनेशन है वो प्रेजेंट ना हो। जैसे ही ये प्योरीफाइड हो जाता है, अब हम इसमें क्या करते हैं, प्रिजर्वेटिव मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, प्रिजर्वेटिव, ताकि ये इसकी जो शेल्फ लाइफ है, जो इसकी कंसिस्टेंसी और लाइफ है, उसको एक्सटेंड कर सके, ताकि लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सके। तो प्रिजर्वेटिव मिलाने के बाद अब लास्ट इसको क्या किया जाता है, पैकेजिंग किया जाता है, इसको पैक किया जाता है। सी, पैकेजिंग के बाद अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, प्रोडक्ट आया, पैक किया, इसको मार्केट में ले आओ, राइट। बट नहीं, प्रोडक्ट को सीधा मार्केट में लाने से पहले क्या किया जाता है, इसका टेस्टिंग किया जाता है। टेस्टिंग यानी कि इसकी क्वालिटी कंट्रोल किया जाता है, इसका क्वालिटी चेक किया जाता है कि वेदर ये जो हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी है उस वाले लेवल को ये टच कर रहा है नहीं, ये प्रॉपर टेस्ट इसका करके अगर उसमें कोई एरर है तो उसको ठीक किया जाता है, और अगर ये फुली सेटिस्फाइड होता है तो एट लास्ट इस पैक्ड आइटम को कहाँ, मार्केट में लाया जाता है और मार्केट में इसकी सेलिंग की जाती है। अंडरस्टूड, मैं दोबारा से एक समराइज फॉर्म में बताती हूँ, क्या हुआ, हमारे पास कल्चर सेल ग्रो हो चुकी है, सेल के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट भी है, अब हम उस सेल को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करके उसमें से प्रोडक्ट को निकालेंगे, आइसोलेट करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, फिर उसमें हम प्रिजर्वेटिव मिला के इस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देंगे। देन एट लास्ट वी विल डू पैकेजिंग एंड बिफोर गोइंग टू द मार्केट, लास्ट बीच में हम क्या करते हैं, उसका टेस्टिंग करते हैं। तो यानी कि प्रोडक्ट्स बनने से लेकर, मतलब आइसोलेट होने से लेकर मार्केट तक पहुँचना, ठीक है, प्रोडक्ट आइसोलेट होने से मार्केट तक पहुंचना, दैट ऑल कम्स अंडर द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अंडरस्टूड, ठीक है, सो आई होप ये रेस्ट थ्री स्टेप्स जो है वो आपको क्लियर होंगे, और अगर आप प्रीवियस वीडियोस भी देखोगे तो कंप्लीट रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट प्लीज पुट योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।